यानी कि अगर आप अपना घर को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आपके बर्थ चार्ट से अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपके घर का मेन एंट्रेंस किधर आएगा, आपको बर्थ चार्ट जहाँ प्रॉमिस करेगा वहाँ, अगर आपका वर्क प्लेस है, आपका कारोबार है या आपका कोई भी बिजनेस एरिया है या बिजनेस प्रेमिसेस है, तो उसकी आपकी गेट की फेसिंग या मेन एंट्रेंस वो कहाँ होगा, आपका ऑफिस किधर होगा, ये भी आपको बर्थ चार्ट बताएगा। तो बर्थ चार्ट देखने के बाद ही, क्योंकि अब मोनूमेंट जो बनाए गए हैं, यादगार इमारतें जो बनाई गई हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में जो आपको नज़र आती हैं, तो वो उस मुल्क के बर्थ चार्ट को देख के बनाए गए हैं ना। देखें, अभी मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था इस बात का कि जो मोनूमेंट्स बने हुए हैं, वो मोनूमेंट्स जैसे कि लिबर्टी का जो स्टैचू बना हुआ है वो समंदर में है, तो उनको लैंड नहीं थी वहाँ पे क्या, तो इसका मतलब है कि उनके अकॉर्डिंगली बर्थ चार्ट के वो जगह सी में आ रही थी, समंदर में पानी की जगह वो आ रही थी, तो वहाँ बनाया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसी तरह का हर इंसान का बर्थ चार्ट अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसके घर की डिज़ाइनिंग या कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, उससे आप मजीद बेनिफिट ले सकते हैं।